ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य की डेट है 6 फरवरी 1974। मुरली का शीर्षक है परखने की शक्ति से महारथी की परख। माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्तिदाता अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले, जैसे आप बाप का आह्वान कर सकते हो अर्थात सर्वशक्तिवान का आह्वान कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है क्या उस शक्ति का आह्वान कर सकते हो अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। जैसे बाप को व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तभी शक्ति सेना के विजयी का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्तियुक्त काम में ना लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अष्ट शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियाँ हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। ऐसे आत्मा यही अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। पुरुषार्थ में अंतर क्या है? जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घुड़ेस्वार की स्टेज पर। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाले परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने न देगा। जैसे आजकल साइंस का रिफाइन रूप कौन सा है? दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करे उसी में भी टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस के इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है कि विघ्न आया और एक सेकंड में चला गया। और यह भी महारथियों की स्टेज नहीं है। महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे अर्थात एक सेकंड भी उसमें वेस्ट ना करेंगे। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ क्या है? एक सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है तो उसमें अंतर पड़ेगा ना। महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की निशानी है। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जो विकारों के सर्व वंश का भी त्याग करने वाले हैं। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं तो वहाँ 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। आधा कल्प देवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है।
तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है तो वहाँ भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएंगी। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन मन धन संपत्ति समय संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नज़र आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए, सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर होगा। अच्छा, ओम शांति।